ये है कि शैतान मफरत मांग ही नहीं सकता, मफरत मांग नहीं सकता था, तौबा की तौफीक उससे छीन ली गई। क्यों? इसलिए वो नबी का गुस्ताख था, नबी के गुस्ताख से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है, नबी के गुस्ताख से तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। खुदा ने सही कर लिया कि नबी के गुस्ताख को नहीं बख्शूंगा, खुदा ने तय कर लिया है कि मैं नबी के गुस्ताख को नहीं बख्शूंगा। एक बात है बता दू, गुस्ताखी और दुश्मनी के फर्क को जहन में रखना, दुश्मनी और है, गुस्ताखी और है। गुस्ताखी का ताल्लुक जातियात से होता है, दुश्मनी का ताल्लुक मिशन से होता है, प्रोग्राम से होता है। सैयदना फारूक आजम भी दुश्मन थे, गुस्ताख नहीं थे। खालिद इब्न वलीद दुश्मन थे, गुस्ताख नहीं थे। हजरत अबू सुफियान दुश्मन थे, उमर इब्न अल आस दुश्मन थे, गुस्ताख नहीं थे। और जो सिर्फ दुश्मन थे हक वाज़े हुआ, इधर गया दुश्मन थे होता चला गया, वो ईमान लाते चले गए। तो दुश्मन और होता है, गुस्ताख और होता है। दुश्मन को तौबा की तौफीक मिलती है, गुस्ताख को नहीं मिलती, गुस्ताख को नहीं मिलती। इसीलिए हमने देखा बड़े बड़े गुस्ताख, मोटे मोटे दारुल उलूम बनाने वाले, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले, हदीस की शरह लिखने वाले, कुरान की तफसीर लिखने वाले, सैकड़ों शागिर्द बनाने वाले, सब कुछ कर गए तौबा नहीं की, सब कुछ कर गए लेकिन तौबा नहीं किया। तौबा के मुताबिक गुस्ताख किया तो तौबा नहीं किया, छीन दी गई। इल्म वाले बहक गए, इबादत वाले बहक गए, रियासत वाले बहक गए, बड़ा बड़ा दारुल उलूम बनाने वाले बहक गए, मोटी मोटी तफसीर की किताब लिखने वाले बहक गए। कहीं तुम ये ना पूछ लो इबादत वाला कैसे बहकता है, अमल वाला कैसे बहकता है, रियासत और मुजाहिदे वाला कैसे बहकता है। अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं, शैतान खुद ही बताएगा जैसे मैं बह गया। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इनका इल्म क्या है। यहाँ के लड़कों को पढ़ाते हैं, मैं तो फरिश्तों को पढ़ाता था, मैं तो को पढ़ाता था। ये यहाँ के दारुल उलूम में इन्होंने मदरसा बनाया है, मैं जन्नत में पढ़ाता था, मैं जन्नत में पढ़ाता था। अरे नादानो, जन्नत में जाके जब मैं निकल गया, जाके जब निकल गया तो जो अभी गए ही नहीं, वो कैसे चल रहा है? इसीलिए शैतान जो है तुम्हें बेअमल भी बनाना चाहता है और तुम्हें बेईमान भी बनाना चाहता है। साथ साथ उसकी ख्वाहिश ये है कि गुस्ताख भी बन जाओ। वो समझता है बेअमल है कभी अमल वाला हो भी सकता है, बेईमान है कभी तौबा करके ईमान वाला हो सकता है। लाओ इसे वही कर दूं जो मैं हूं, लाओ इसे वही कर दूं जो मैं हूं। ना मुझे तौबा की तौफीक मिली, ना इसे मिले, ना मुझे तौबा की तौफीक मिली, ना इसे मिले। और दोस्तों इस चीज को मैं कुरान करीम से मुदल्लल कर दूं कि जो गुस्ताख होता है उससे तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। याद करो कुरान करीम क्या कहे, तंजुर कई फदा को लकल अमसाल, तंजुर कई फदा को लकल अमसाल फदलु फला यस्ततीउन सबीला। देखो ये तुम्हारी कैसी कैसी मिसालें लाते हैं, ये तुम्हारी कैसी कैसी में, कोई तुमको अपना जैसा बशर कहता है, कोई जादूगर कहता है, कोई सहरजदा कहता है, कोई मजनून कहता है, कोई दीवाना कहता है। उन जो कई फतरा बोला कर उनसे जरा देखो तो ये कैसी कैसी मिसालें लाते फतरा। अब ये पूरा हो गए फला रस्तति उरा सबीरा, रास्ते पे आने की इस्तादी नहीं है, रास्ते पे आने की इस्तादी नहीं है, छीन ली गई उनसे इस्तता। हाँ तो बात चल रही थी अना की, टकरा गया खुदा की मैं से टकरा गया, ऐसा हश्र हुआ कि कयामत तक लोग उस पर लानत ही भेजेंगे और लानत ही भेजेंगे। उसकी बदनसीबी देखो, जिसको वो बहकाता है वो भी लानत उसी भेजते, जिसको वो बहकावे में डाले हुए जिसको वो भी लानत उसी पर भेजते हैं, मगर उनकी लानत को बर्दाश्त करता होगा।
مقيم نہیں ہے جو جگہ رہتا ہے مسلیہ سیدنا مولانا محمد دماغ کی بہت اگر تو سلی آ رہے ہاں تمہیں بات یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں بھی کسی کی مائیں یہ بھی مہواری ہے ورفعنا ہم نے بلند کیا میں نے بلند کیا یہ ہے خدا کی مہر اپنے محبوب کے ذکر کو میں نے بلند کیا یاد رکھو جب تک مذکور بلند نہیں ہوتا ذکر بھی بلند نہیں ہوتا جب تک مذکور بلند نہ ہو ذکر بھی بلند نہیں ہوتا تو یہاں ذکر و مذکور دونوں کی بلندی کی بات ہے میں نے کیا بلندی میں نے دی رفعت میں نے دیا معراج کمال تک میں نے پہنچایا اب جو ان کی بلندی اس کو خلاف ہوتا ہے وہ میری میں سے ٹکرا رہا ہے میں نے بلند کیا ایک بات بتاؤ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا بلند ہوئی